गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं गजेंद्र सिंह महन। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 5 विषय हिंदी पाठ 5 प्रकरण में जहां चाह वहां रहा और भाग्य के बारे में पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, इससे पहले हमने पाठ 4 में नन्ना फनकार में केशव की नकाशी के बारे में पढ़ा था। प्यारे बच्चों, इस पाठ में हम जहां चाह मतलब जहां इच्छा है वहां रहा मतलब रास्ता, जहां इच्छा होती है किसी काम को करने की वहां रास्ता क्या अपने आप बन जाता है। इस पाठ में हम जो एक दिव्यांग लड़की है उसके बारे में पढ़ेंगे और वो दिव्यांग लड़की हाथों से कुछ नहीं कर पाती थी और उसने अपने पांव से सारा काम करना शुरू कर दिया था। प्यारे बच्चों, इस पाठ में जो इला सचानी नाम की लड़की है वो जब 15-16 साल की थी तभी से अपनी माँ और दादी के साथ क्या है कसीदाकारी करना शुरू कर दिया था उसने। कसीदाकारी का मतलब होता है कढ़ाई करने वाली, जैसे हम क्या किसी धागे से किसी कपड़े में सुई के माध्यम से कोई डिजाइन फूल इत्यादि कुछ भी बनाते हैं, तो उसने काम करना शुरू कर दिया था। प्यारे बच्चों, इस कहानी को हम किताब पे रीड करेंगे, आप लोग मेरे साथ किताब पे देखेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, जहां चाहो वहां रहा मतलब जहां इच्छा है वहां रहा मतलब रास्ता अपने आप बनता है। मलमली धोती का बादामी रंग खिल उठा था, किनारों पर कसूती के टांकों से पिरोई हुई बेल थी, पल्लू पर भरवा टांके अपना कमाल दिखा रहे थे, सुनहरे रूप भले बेल बूटों से जान आ गई थी मलमल में। इन बेल बूटों को सजाया था इला सचानी ने। इला की हिम्मत की अनूठी मिसाल ये कढ़ाई के नमूने थे। 26 साल की इला गुजरात के सूरत जिले में रहती है। उनका बचपन अमरेली जिले के राजकोट गांव में अपने नाना के यहाँ बीता। तो प्यारे बच्चों, इला सचानी के बारे में जो हम पढ़ रहे थे, मलमली धोती का बादामी रंग खिल उठा था, जो मलमली कपड़ा होता है उसकी धोती का जो बादामी रंग था, बादाम जो हम लोग खाते भी हैं, तो उसका रंग क्या खिल उठा था। किनारों पर कसूती के टांकों से पिरोई हुई बेल भी थी, जो उस धोती के किनारों पे क्या है जो धागा था वो बड़ी खूबसूरती से पिरोया गया था, वो क्या उससे बहुत सुंदर लग रहा था। पल्लू पर भरवा टांगे अपना कमाल दिखा रहे थे, जो साड़ी का धोती का जो लास्ट का पल्लू होता है उस पर आपने देखा होगा बहुत अच्छे से अच्छे डिजाइन बने रहे थे, तो वो क्या अपना बहुत अच्छा कमाल दिखा रहे थे। सुनहरे रूप वाले बेल बूटों में जान आ गई थी मलमल में, जो उसने सुनहरे बेल बूटे कढ़ाई करी थी उस किनारे पे उस साड़ी पे, उससे क्या है उस मलमल के कपड़े पे उस साड़ी पे क्या है बहुत अच्छी सी खूबसूरती आ गई थी। इन बेल बूटों को सजाया था किसने, इला सचानी ने। तो प्यारे बच्चों, इला सचानी के बारे में जो हम पढ़ रहे हैं, तो वो क्या है 26 साल की इला गुजरात के सूरत जिले में रहती थी। प्यारे बच्चों, वो लड़की क्या है गुजरात के सूरत जिले में रहती है, तो गुजरात जो हमारा राज्य है उसमें जो सूरत जिला है वो अपने आप में ही एक क्या है साड़ियों और सूटों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। उनका बचपन अमरेली जिले के राजकोट गांव में अपने नाना के यहाँ बीता था, वो बचपन में क्या थी अपने नाना के यहाँ ही ज्यादातर रहती थी। सांझ होते ही मोहल्ले के बच्चे घरों से बाहर आ जाते, जब शाम का समय होता था तो सभी बच्चे क्या अपने घर से बाहर आ जाते थे खेलने के लिए। कुछ मिट्टी के आड़ी तिरछी लकीरें खींचते, कुछ कनेर के पत्तों से पिटपिटी बजाते, कुछ बच्चे क्या है कुछ बच्चे मिट्टी के ऊपर क्या है लकड़ी के टुकड़े से आड़ी तिरछी रेखाएं खींचते थे खेलते थे, और कुछ बच्चे कनेर के पत्तों से पिटपिटी बजाते थे। आपने देखा होगा जब पत्ता हम बीच में से फाड़ते हैं, कोई भी पत्ता होता है तो उसमें अगर हम बीच से उसको फाड़ते हैं तो अगर हम उसको बजाते हैं तो उसकी क्या है आवाज आती है। कुछ गिट्टे खेलते, कुछ इधर उधर से टुकड़े टूटे फूटे घड़ों के ठेकरे बटोर कर पिट्ठू खेलते, कुछ बच्चे क्या थे कुछ बच्चे पत्थरों के घड़ों के जो टुकड़े होते थे टूटे हुए उनको इकट्ठा करके पिट्ठू
खेलते थे, ठीक है। जब इन खेलों से मन भर जाता तो पेड़ की डालियों पर झूला डालकर ऊंची ऊंची पेंगे लेते और ऊंचे स्वर में एक साथ गाते। जब वो ऐसे खेलों से उनका मन भर जाता था तो लास्ट में क्या करते थे, पेड़ में एक रस्सी डालकर क्या है झूला खेलते थे और ऊंची ऊंची पेंगे लेते थे। तो ऊंची ऊंची पेंगे लेते समय क्या है, वो गीत भी गाते थे, स्वर ऊंचे स्वर में गाते थे, कच्चे नीम की निबोरी सावन जल्दी आयो रे, वो गाना भी गाते थे। इला गाने में तो उनका साथ देती, और जो वो दिव्यांग लड़की थी वो गाने में तो उनका क्या है साथ देती थी, पर उनके साथ पेंगे नहीं ले पाती, वो उनके साथ झूला नहीं झूल पाती थी, क्योंकि रस्सी पकड़ने को हाथ बढ़ाती मगर हाथ उठते ही नहीं थे। उसके हाथ क्या है, हाथ से वो दिव्यांग थी, हाथ से वो अपंग थी, तो रस्सी झूला झूलने के लिए क्या है रस्सी भी तो पकड़नी पड़ेगी ना, तो रस्सी वो नहीं पकड़ पाती थी। वह चुपचाप एक किनारे बैठ जाती, मन ही मन सोचती मैं भी ऐसा कुछ क्यों नहीं कर पाती हूँ, और वो ये क्या है हताश होकर निराश होकर एक किनारे पे बैठ जाती थी और मन ही मन सोचती थी कि मैं भी ऐसा क्यों कुछ नहीं कर पाती हूँ। बच्चे भी चाहते कि किला किसी न किसी तरह तो उनके साथ खेल सके, और जो उसके दोस्त थे सहपाठी भी थे वो चाहते थे कि किसी न किसी काम में तो इला हमारे साथ होनी चाहती, वो चाहती थी कि ये भी हमारे साथ खेले। कभी कभार वह पकड़म पकड़ाए और विष अमृत के खेल में शामिल हो जाती थी, कभी कभी वो क्या है उनके साथ क्या पकड़म पकड़ाई वाले खेल और विष अमृत वाले खेल जो बच्चों के खेल होते उनमें शामिल हो जाती थी उनके साथ, क्योंकि वो क्या है पैरों से तो चल पाती थी। साथियों के साथ जमकर दौड़ती मगर जब धप्पा करने की बारी आती तो फिर निराश हो जाती। वो दौड़ती तो ठीक थी पर जब वो साथी को धप्पा लगाना था हाथ से तो वो नहीं कर पाती, क्योंकि वो हाथ तो उठा ही नहीं पाती थी। फिर निराश हो जाती, हाथ ही नहीं उठेंगे तो धप्पा कैसे देगी, जब उसके हाथ ही नहीं उठेंगे तो धप्पा कैसे देगी अपने दोस्तों को, मतलब उनको आउट कैसे करेगी खेलते समय। वह बहुत कोशिश करती पर उसके हाथों में तो जैसे काम करना, जैसे उसके हाथों ने ठान ली थी कि वो काम नहीं करेंगे, मतलब उसके हाथ क्या है धप्पा लगाने के लिए उठ ही नहीं पाते थे, तो उसके हाथ उसे लगता था कि मेरे हाथों ने ठान रखी कि मैं इसका इला सचानी का साथ बिल्कुल भी नहीं दूंगी। तो इला ने अपने हाथों की इस जिद को एक चुनौती मान लिया। अब उसने क्या है हाथों की जिद को उसने भी अपनी एक जिद बना दी कि मेरे अगर हाथ काम नहीं करते हैं तो मैं अपने पैरों से सब काम करने की कोशिश करूंगा, जैसे कि उसने अपनी दादी के साथ अपनी माँ के साथ कसीदाकारी का काम कढ़ाई करने का काम की मन में ठान ली थी। तो प्यारे बच्चों हम इस भाग एक में इसको इतना ही पढ़ेंगे और अगले भाग में हम इस लेसन की दोबारा रीडिंग करेंगे।